हेलो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू चैप्टर चैप्टर इलेवन मैंसूरेशन दैट इज जो आपने प्रीवियस क्लासेस में सिक्सथ और सेवन स्टैंडर्ड में पेरीमीटर एरिया कॉन्सेप्ट जो देखा है दैट इज मैंसूरेशन राइट तो फर्स्ट एक्सरसाइज बेसिक है जो हमने प्रीवियस क्लासेज में स्क्वेयर रेक्टाइंगल ट्राइंगल सर्कल पैरोग्राम इन सब के पेरीमीटर एरिया ऑलरेडी हम देख चुके हैं सो वी आर गोइंग टू जस्ट रिवाइज दैट एंड ऑन दैट बेसिस वी आर गोइन टू डू फ्यू मोर क्वेश्चन चैप्टर में आगे और नई फिगर्स हैं कॉर्डिलेटल है राइट पैलोग्राम पैलोग्राम तो इसमें आ चुका है दैन ट्रिपेजियम है ओके अलग अलग उसके फाइंड करना है प्लस विद दैट देर इज न्यू टॉपिक वॉल्यूम एंड सर्फिस एरिया जो हायर क्लासेज नाइन्थ एंड टेंथ तें में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है सो मेक श्योर दैट यू डू दिस टॉपिक्स थरली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है राइट तो फर्स्ट स्क्वेयर पता है आपको पैरीमीटर क्या होता है स्क्वेयर का फोर इंटू साइड एंड एरिया इज साइड इंटू साइड पैरीमीटर की यूनिट या तो मीटर होगी सेंटीमीटर होगी डिपेंड ऑन द क्वेश्चन एंड एरिया इज मीटर स्क्वेयर या सेंटीमीटर स्क्वेयर राइट रिक्टेंगल टू एल्व प्लस बी एरिया एल इंटू बी ट्राइंगल सम ऑफ ऑल साइड इक्वेलिटर ट्राइंगल होगा तो थ्री इन टू साइड एंड फॉर राइट एंगल ट्राइंगल इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पैरोग्राम समल साइड या टू इन टू एल्व प्लस बी एंड एरिया इज बेस इं टू हाइट यू हेफ डन दिस लास्ट इकल पेरीमीटर को सर्कम फ्रेंस बोलते हैं It's 2 pi r or pi d where pi is 22 by 7 or 3.14 and area is pi r square. This concept aap last year kar chukyo. So we'll do few more questions on this and then we'll move to the new formulas. Okay. See, I'll be discussing exercise 1.5, only the concept. I am not going to do the calculations. जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने पहले किया है उसको मैं डिस्कस करूंगी क्वेश्चन में क्या करना है सो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया है स्क्वेयर इन अ रेक्टेंगल फील्ड विद मेजरमेंट्स आर गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर यू हैव टू फाइंड हुज एरिया इज बिगर सेम पेरीमीटर मतलब अगर आपको याद हो लास्ट ईयर हमने किया था हम फर्स्ट स्टेप में लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर इज इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल सब्सट्यूट द फॉर्मूला फोर इंटू साइड टूवेल्व प्लस बी साइड ऑफ स्क्वेयर इज गिवन टू अस एज सिक्सटी लेंथ दी है एट्टी ब्रेथ नहीं दी है तो इसे आप ब्रेथ फाइंड कर सकते हो ब्रेथ फाइंड करने के बाद यू विल फाइंड सेपरेटली एरिया ऑफ स्क्वेयर एंड रेक्टैंगल एंड यू विल चेक विच इज बेगा मेक श्योर फॉर्मूलाज आर मैंशन वैन यू फाइंड बी You mentioned the unit that is centimeter here, right? And then according to the formulas, here also meter square. There is no point of doing calculations, so calculation or answer check, you will right? Question two, what is Question two, mein hai, Mrs. Kaushik has a square plot with the measurement as shown in the figure. She wants to construct a house in the middle of a plot.

माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल उससे आपका क्या आ जाएगा गार्डन का एरिया राइट अगेन मैं शॉर्टकट में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ जो भी एरिया आएगा बेटा कॉस्ट फाइंड करना है तो कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे इनटू फिफ्टी फाइव मेक श्योर द यूनिट्स आर सेम यहां पे यूनिट सेम है तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन थोड़ा स्टूडेंट्स को रहता है हमेशा डाउट तो बेटा ये वन को में प्लीज आप समझ लेना क्वेश्चन है द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड सेमी सर्कुलर एंड एज शोन इन द डायग्राम फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस दिया है कि ये ट्वेंटी है ये पूरा यहां से लेकर यहां तक एंड दिस इज गिवन टू यू एस सेवन पहले हम पेरीमीटर पे फोकस करते हैं पेरीमीटर के लिए अब आपको एक चीज समझना जरूरी है इसमें पेरीमीटर इज ओनली बाउंड्री ये इसका और इसका पेरीमीटर में कोई लेना देना नहीं है पेरीमीटर के लिए गार्डन का हम सिर्फ ये बाउंड्री ही कैलकुलेट करेंगे सो लेट मी लेबल इट ए बी सी डी ठीक है सो so, पेरीमीटर क्या हो जाएगा ए बी प्लस ये आर्क बी सी हम ऐसे लिखते हैं प्लस सी डी प्लस आर्क ए डी दैट इज द बाउंड्री हमें मैं वापस आपको बोल रही हूँ अंदर भले दस लाइन हो वी डोंट काउंट दैट पेरीमीटर मीन्स ओनली बाउंड्री तो ये स्ट्रेट लाइन थी और ये कर्व था ए बी आपको नहीं दिया है राइट right? अब इस ए बी कैसे कैलकुलेट करना है वो भी आप प्लीज ध्यान से सुनो ये सेवन है मतलब आपको ये पूरा सेवन दिया है राइट right? डायमीटर ये सेमी सर्कल है उसका डायमीटर सेवन दिया है तो रेडियस क्या हो जाएगा ये रेडियस है ये भी रेडियस है थ्री पॉइंट फाइव तो so, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3.5 है सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3.5 है मुझे इतना डिस्टेंस फाइंड करना है मुझे ए बी फाइंड करना है तो 20 में से मैं दो बार 3.5 माइनस कर दूंगी अगेन डायमीटर 7, सो रेडियस 3.5, दिस इज रेडियस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस थ्री पॉइंट फाइव है हमें इतना डिस्टेंस चाहिए तो ट्वेंटी माइनस टू टाइम्स थ्री पॉइंट फाइव ट्वेंटी माइनस सेवन इज थर्टीन सो ए भी आपका आ गया थर्टीन बी सी आर्क बी सी सेमी सर्कल सर्कल का क्या होता है टू पाई आर तो सेमी सर्कल का उसका हाफ पाई आर आर की वैल्यू पुट करते हैं हम सी डी अगेन सेम हो जाएगा थर्टीन एंड ए डी आर अगेन इट विल बी पाई आर थर्टीन प्लस थर्टीन ट्वेंटी सिक्स पाई आर प्लस पाई आर टू पाई आर ट्वेंटी सिक्स प्लस टू ट्वेंटी टू बाई सेवन आर मैंने आपको बता दिया कैसे फाइंड करते हैं थ्री पॉइंट फाइव और सेवन बाई टू आई प्रिफर टू राइट सेवन बाई टू बिकॉज कटिंग ईजी हो जाती है रेडियस को फ्रैक्शन में लिखना आपके लिए ईजी रहता है सेवन सेवन कैंसर टू टू कैंसर ट्वेंटी सिक्स प्लस ट्वेंटी टू इज फोर्टी एट यूनिट मीटर ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट में एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टेन टाइम्स ये जो कॉन्सेप्ट है आप समझो कि थ्री पॉइंट फाइव कैसे आया थर्टीन कैसे आया पाई आर कैसे आया नाउ फॉर एरिया एरिया पूरा ये अंदर का तो एक सेमी सर्कल ये प्लस ये सेमी सर्कल दो सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल हो जाता है सो एरिया ऑफ सर्कल आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है प्लस एरिया ऑफ रेक्टैंगल एबीसीडी पाई आर स्क्वायर प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ पाई आर क्या है थ्री पॉइंट फाइव दैट इज सेवन बाई टू एल क्या है थर्टीन हमने फाइंड किया और ब्रेड क्या है सेवन राइट यूल डू द कैलकुलेशन सेवेंटी सेवन अपॉइंट टू प्लस नाइन्टी वन डू द कैलकुलेशन दैट विल बी द आंसर फॉर एरिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओके बेटा फोर्थ क्वेश्चन में अ फ्लोरिंग टाइल हैज़ द शेप ऑफ अ पैलोग्राम जिसमें आपको बेस दिया हुआ है ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर एंड हाइट दी हुई है टेन सेंटीमीटर हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ वन जीरो एट वन जीरो एट जीरो मीटर स्क्वायर पूरा एरिया फ्लोर दिया है एक टाइल का एरिया दिया है टू फाइंड नंबर ऑफ टाइल्स नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल सिक्स स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है ये तो कैसे क्यों नहीं होना चाहिए एरिया ऑफ फ्लोर वन जीरो एट जीरो मीटर स्क्वेर एरिया ऑफ टाइल टाइल इज इन द शेप ऑफ पैलोग्राम तो इट्स बेस इन टू हाइट अब प्रॉब्लम क्या है यूनिट अलग है ये मीटर ये सेंटीमीटर to convert meter square 1 meter square is equal to 2 bar 100 centimeter square that is 10000 meter square 1 meter is 100 centimeter so 1 meter square is 10000 centimeter square so here 10000 unit conversion is one of the important part of the chapter cancellation kar ke you will get the आंसर, नंबर ऑफ टाइल्स इस ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था यूनिट कन्वर्शन ओके लास्ट क्वेश्चन बेटा लास्ट क्वेश्चन में कुछ आपको शेप्स दी हैं एक ये शेप है एक ये शेप है एंड एक ये शेप है इनके डायमेंशन दिए हैं एंड इज मूविंग इन दिस बाउंड्री सपोज ये एक फूड पीसेस हैं तो ये एंड ऐसे मूव करिए बाउंड्री में तो हमें क्या फाइंड करना है बाउंड्री मतलब सकम्फरेंस सो फॉर फर्स्ट फिगर क्या हो जाएगा ये क्या होता है सेमी सर्कल का पाईआर प्लस टू पॉइंट एट आर क्या हो जाएगा वन पॉइंट फोर इसमें क्या हो जाएगा ये लेंथ टू पॉइंट एट है प्लस वन पॉइंट फाइव प्लस कर्व स्पाई आर प्लस ये लेंथ वन पॉइंट फाइव आर वन पॉइंट फोर है इसमें क्या हो जाएगा टू प्लस टू प्लस कर्व क्या होता है सेमी सर्कल है ये तो पाईआर आर अगेन वन पॉइंट फोर आपको कैलकुलेशंस करनी है कैलकुलेशन करके आंसर टाली करने हैं पीछे से आंसर अगर 162 है पीछे आपका 161 आ रहा है या 163 आ रहा है मतलब आपने गलत किया है सो मेक श्योर यू गेट द एग्जैक्ट आंसर्स एंड फॉर एनी डाउट प्लीज लेट मी नो ओके थैंक यू